हेल्थ प्लस कार्यक्रम के सभी दर्शकों को संजय पति त्रिपाठी का नमस्कार। आप देख रहे हैं कार्यक्रम हेल्थ प्लस, स्वास्थ्य जागरूकता का सर्वाधिक लोकप्रिय कार्यक्रम। हेल्थ प्लस कार्यक्रम के अंतर्गत आज की जानकारी का विषय है दिल की हिफाजत। आप जानते हैं दिल आपके शरीर का सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा है, यानी कि दिल का धड़कना और जीवन का होना एक दूसरे के पर्याय माने जाते हैं। आइए जानते हैं दिल के संबंध में क्या जानकारी दे रहे हैं पूर्वांचल के प्रख्यात होम्योपैथिक चिकित्सक, लिविंग लीजेंड ऑफ होम्योपैथ से सम्मानित डॉक्टर रामरतन बनर्जी साहब। तो आइए देखते हैं दिल की हिफाजत के संबंध में क्या बातें होती हैं डॉक्टर रामरतन बनर्जी जी से। डॉक्टर बनर्जी, हेल्थ प्लस कार्यक्रम में आपका स्वागत है। संजय जी, हेल्थ प्लस कार्यक्रम में स्वागत करने के लिए आपको धन्यवाद, और मेरे सभी प्रिय दर्शकों को भी मेरे तरफ से अभिवादन। डॉक्टर बनर्जी साहब, आज की हमारी वार्ता का विषय है दिल की हिफाजत। हमारे दर्शक भी जानते हैं कि दिल के बगैर शरीर की कोई कल्पना ही नहीं कर सकता है, यानी कि दिल का धड़कना और जीवन का होना ही एक दूसरे के पर्याय माने जाते हैं, और इस आपाधापी में जीवन की जो रफ्तार है उस रफ्तार में दिल को चलाए रखने के लिए एक आदमी बहुत सारी मेहनत करता है, बहुत सारी बातों को वो अपने आचरण में ढालता है और बहुत सारे इलाज भी करवाता है, लेकिन फिर भी पूरी दुनिया में आज दिल के कारण मृत्यु की संख्या बहुत ज़्यादा है। तो इस आपाधापी और आज के आधुनिक जीवन के वातावरण में जो दिल पर दबाव बन रहा है और दिल के तमाम मर्ज पैदा हो रहे हैं, इस पर हम बातें आपसे करेंगे। लेकिन सबसे पहले हम ये चाहते हैं कि आप हमारे दर्शकों को दिल की बनावट के बारे में जानकारी दे दें। जी, दिल मनुष्य के शरीर का एक बहुत ही महत्वपूर्ण अंग माना जाता है। आकार में ये केवल एक बंद मुट्ठी जितना ही बड़ा होता है, और इसका वजन केवल और लगभग 12 औंस होता है। दिल का रंग भूरा होता है। इसकी संरचना वैज्ञानिक दृष्टिकोण से 4 सक्रिय चेंबर्स का एक जोड़ मात्र होता है। इसमें 2 पंप बनते हैं, जिनमें दाया पंप गंदे खून को साफ होने के लिए फेफड़ों में भेजता चला जाता है, वहीं बाया पंप फेफड़ों से लौट रहे साफ खून को पूरे शरीर में पंप करता चला जाता है। इस तरह मनुष्य का दिल मनुष्य को जीवित रखने के लिए रातों दिन बहुत ही कड़ी मेहनत करता चला जाता है। तो डॉक्टर साहब, ये एक जो प्रक्रिया होती है इसमें काफी ऊर्जा की आवश्यकता होती है, क्योंकि हार्ट को बार बार पंप करने में भी बहुत अधिक शक्ति की आवश्यकता है। हमारे दर्शक इस बात को जानना चाहेंगे, उनके मन में यह उत्सुकता होगी कि अकेले दिल में इतनी ऊर्जा कहाँ से आ रही है जिससे वो शरीर को जिलाए रखता है। तो इस संबंध में आप कुछ जानकारी दे दें हमारे दर्शकों को। संजय जी, आपका ये प्रश्न मुझे बहुत ही अच्छा लगा। दिल शरीर को शुद्ध रक्त पंपिंग के द्वारा पहुंचाने का कार्य करता ही चला जाता है। इस क्रिया को करने में मनुष्य का दिल 1 मिनट में औसतन 70 से 80 बार और 1 दिन में लगभग 1,00,000 बार फैलता और सिकुड़ता रहता है। इसके फैलने और सिकुड़ने से जो धड़कने पैदा हो